दोस्तों, तो स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नई वीडियो के साथ में। तो आज मैं आया हूँ जीबी रोड, जो कि दिल्ली का सबसे फेमस है जीबी रोड। तो यहाँ पे आके मैंने जो देखा, मैं सोचा कि आपको खुद क्यों ना दिखाऊं। तो यहाँ पे मैंने देखा कि यहाँ पे काफ़ी कॉल गर्ल्स बाहर रहती हैं और यहाँ काफ़ी गंदे गंदे काम होते हैं। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो मैं यहाँ की भी उतार दूँ। तो आज मैं आ चुका हूँ जीबी रोड। तो चलिए, यहाँ जो भी है, जैसा भी, आपको सारा ए टू जेड दिखाते हैं कि किस प्रकार का मेरे को नज़ारा मिला और किस तरीके से यहाँ लोग बाग, जैसे कि लड़कियाँ रात में आके खड़ी हो जाती हैं और आपसे चार्जेस मांगती हैं कि इधर पर भी ये लड़कियाँ जो भी मिला के आपको सारी चीज़ें दिखाने वाला हूँ। तो बने रहिए मेरी वीडियो। तो दोस्तों, ये वीडियो बड़ी मुश्किल से बना पा रहा हूँ। यहाँ पे जब मैं शूट कर रहा था तो 5-6 जने आ गए थे, मेरे को घेर लिया था, मेरे से छीनने लगे थे, मोबाइल दे भाई और कैमरा दे, मेरी सारी चीज़ें वो छीनने लगे थे। छीनने के बाद में मैंने जैसे तैसे रिकवरी करने के बाद में जब ये वीडियो यूट्यूब पे अपलोड करा है, और आप देख ही सकते हो यहाँ पे जीबी रोड पे कितना गंद मचा रखा है। और गंद क्या है, यहाँ पे ऐसी होता है, रात में लेडीज़ें बाहर हो जाती हैं और काफ़ी सारे इनों के दलाल होते हैं। तो जब अगर कभी भी आप जाते हो जीबी रोड, तो भैया इन दलालों से बच के रहना, क्योंकि ये दलाल पहले आपको ले जाते हैं भैला पुछला करके और फिर बाद में आपसे पैसे लूटते हैं ते और आप पे हाथापाई करते हैं। तो थोड़ा सा सावधान होकर जाएं, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ये तादाद है। और एक मेरा फ्रेंड ऊपर भी गया था, उसके साथ में फंस के, तो उसके 4500 रुपये उसकी जेब में पड़े थे, तो उनने पूरे 4500 रुपये छीन लिए, जो कि लेडीज़ वहाँ पे रहती हैं, और छीनने के बाद में उसे वहाँ से भगा दिया गया कि जा यहाँ से भाग। तो यहाँ पे पैसे, अगर आप कभी भी जाते हो तो पैसों का ज़रा विशेष ध्यान रखे जाएँ कि अपनी जेब में पैसे लेकर ना जाएँ, और पैसों से जितना सावधान हो, यहाँ तो कुल मिलाकर पैसे लेके ही ना जाओ, 300-400 रुपये लेके जाओ, ज़्यादा पैसे लेके ही मत जाओ, क्योंकि यहाँ पैसे छीन लेते हैं और दलाल रहते हैं। और कभी भी अगर मेरा जैसा अगर यूट्यूबर भाई है, तो भैया वहाँ अगर आप वीडियो शूट करते हो तो बड़ा देखभाल कर वीडियो शूट करना, क्योंकि जगह जगह इनों के दलाल घूमते रहते हैं और पूरी रोड पर रात के समय आपको इनों के दलाल ही मिलेंगे और कोई नहीं मिलता। जो ऑटो वाले या गाड़ी वाले, ये जितने भी होते हैं, सारे आधे से आधे इनों के दलाल घूमते रहते हैं, जो आपको पकड़ पकड़ के लेके जाते हैं ऊपर की साइड में कि चलो भाई कि हम आपको लेकर के जाएंगे और हम मज़े कराएंगे। तो ये बहाना इनों का रहता है, तो पकड़ के ले जाते हैं और ले जाने के बाद में बंदों से मिसबिहेव करते हैं, पैसे छीनते हैं, डराते हैं और डराते हैं धमकाते हैं, डराने धमकाने के बाद जी पैसे जो होते हैं आपके पास में, पैसे छीन लेते हैं, फिर आपको कहते हैं कि अब जा भग जा तू। तो 4500 रुपये मेरा दोस्त गवा करके आया, तो मैं तो ये कहूँगा कि आप वहाँ पैसे लेकर ही ना जाओ, और फिलहाल ऐसी जगह से अगर बच के रहो तो बेटर है, क्योंकि यहाँ काफ़ी ज़्यादा गंद है। आपने देखा कि यहाँ पे जीबी रोड का कैसा माहौल है, और यहाँ पे इनों के बाउंसर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो थोड़ा चौकन्ने होके चलना। और मैं आपके लिए ऐसी नई नई वीडियो लेकर के आता रहता हूँ, तो जितने भी मेरे नए भाई हैं इस चैनल को, अपने इस चैनल को संदीप राठौर ब्लॉग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो कि आपके पास में नई नई वीडियो की अपडेट आती रहे, और इस तरीके से आप अपना प्यार बनाए रखिए, जो कि मैं एक से एक नई वीडियो बनाता रहूं और आप सबों के सामने पेश करता रहूं। तो अपना भाई समझ के सपोर्ट कीजिए, और तो जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आप कुछ पूछना चाहते हो तो मेरे से कॉमेंट करके यहाँ के बारे में कुछ भी डिटेल मेरे से ले सकते हो यहाँ के बारे में। और जितना हो सके वीडियो को आग की तरह फैला दो, आग लगा दो, और अगर मेरे जितने भी भाई बंधु इस चैनल पर नए हैं, तो अपने इस चैनल को संदीप राठौर ब्लॉग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो कि आगे आपके लिए ऐसी नई नई वीडियो मैं बनाता रहूं, और आप ऐसी अपना प्यार बनाए रखें, जो कि आपके एक लाइक से मेरे को काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट मिलता है। तो लाइक करना ना भूलिए, और हो सके तो जितना अपने भाई बंधुओं को यहाँ के बारे में चौकन्ना कीजिए, और जैसे मैंने सोचा कि मैं आपको क्यों ना यहाँ के बारे में सारी डिटेल दूँ, बताऊँ, तो ऐसे अगर आप अपने फ्रेंड को किसी को शेयर करना चाहते हो तो ये वीडियो शेयर कर दीजिए, क्योंकि वो भी चौकन्ना हो जाए, और वहाँ पहली बात तो जाए ना, अगर कहीं जाता है तो थोड़ा सा चौकन्ना होकर जाए, थोड़ा अपने पैसों का ध्यान रख कर जाएगा कोई भी इंसान।